एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सैमुअल नाम का एक युवक रहता था। वह दयालु दयालु थे और उनकी मुस्कुराहट ऐसी प्रभावशाली थी कि उनसे मिलने वाले सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सैमुअल को जहां तक याद है, वह अपने बचपन की दोस्त एना के लिए काफी समय से तरस रहा था। एक दिन एना ने गांव में टहलने का फैसला किया और जैसा कि भाग्य को मंजूर था, वह और सैमुअल एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा, ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और सैमुअल ने घबराते हुए अन्ना के प्रति अपने अटूट प्यार का इजहार किया। एना को सैमुअल के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और उस पल में उसे पता चला कि वह अपना शेष जीवन उसके साथ बिताना चाहती थी। उन्होंने अगले कुछ दिन एक साथ बिताए, बातचीत की और अपने समय का आनंद लिया, जब तक कि सैमुअल को अपनी प्रशिक्षुता पूरी करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। अलग अलग समय के दौरान उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हुए पत्र भेजे। अंत में जब सैमुअल वापस लौटा तो दोनों फिर से एक हो गए और जल्द ही शादी कर ली। उन्होंने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया और आनंदमय जीवन व्यतीत किया। दोनों अविभाज्य थे और जब उन्हें परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तब भी एक दूसरे के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। वे अपने गांव के लोगों के प्रति सच्चे और चिरस्थायी प्रेम की मिसाल थे।